तेज तर और बरक रफ्तार रीडिंग ऑनलाइन कश्मीर न्यूज सर्विस KNS। सर हमें प्रॉब्लम ये है, हम डी साहब से भी और एसपी साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि अगर लेह लद्दाख खुला है, लेह लद्दाख के लोग रात भर भी आते हैं, दिन भर भी आते हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, दो महीने या तीन महीना हमारा धंधा रहता है, उसके बावजूद भी ना हमें नीलगढ़ अलाउड करते हैं, ना हमें सरबल अलाउड कर जिसकी जो कि टूरिस्ट प्लेस सरबल पार्क तभी हमें अलाउड नहीं करते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें दंगा फसाद नहीं करना, हम बालतल में जाएंगे हम दंगा फसाद करेंगे या हम यात्रा करने के लिए जाएंगे, नहीं, हम टूरिस्ट इतना दूर से आता है ताकि वो कुछ देखे यहाँ पे, वो कुछ यहाँ के लेके जाए कि सोनमर्ग ऐसा है, उनको सोनमर्ग अलाउ नहीं करते हैं। पूरा सोनमर्ग राजवास ग्लेशियर था तो उसको तो पहले से बैन कर दिया, चलो उसमें हम वेलकम करते हैं कोर्ट का कि उन्होंने बंद कर दिया कि इसमें पोल्यूशन होता है, उसके बावजूद अब 0 पॉइंट था, एक ही जगह था 0 पॉइंट सोनमर्ग में मेन जगह, तो 0 पॉइंट है यहाँ पे, बाइक वाले हैं यहाँ पे, स्लेज वाले हैं यहाँ पे, गाड़ी वाले हैं, बाइक वाले चार चार बंदे ने एक एक बाइक ली है, लोन पे ले लिए हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए लोन ले लिए हैं उन बेचारों ने, वो भी बेचारे बैठे हैं सर्दियों का महीने में मामर में रोकते हैं, दो महीने था मार्च और अप्रैल यहाँ कमाने का था, उस टाइम पे तो मामर में रोकते थे, नहीं यहाँ पे खतरा है, कौन सा खतरा है, जब हम यहाँ पे लोकल लोग हैं हमें पता है यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ पे कैसे लोग चलते हैं, यहाँ 12 महीने कैसे चलाएंगे, कौन सा खतरा है, हम भी यहाँ से सदियों से हम भी यहाँ पे जी रहे हैं, लेकिन हमें जीने का हक नहीं है। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आप जुड़े रहें KNS के साथ, KNS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।